वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आप कहोगे कि नेक्स्ट वीडियो कल ही डाल। फैक्ट नंबर वन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घरों के बर्तन और आपके दोस्तों के घरों के बर्तन हमेशा इसी कलर के क्यों होते हैं और हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं? देखो, पहले के जमाने में यूटेंसिल्स यानी बर्तन कॉपर, निकल और सिल्वर ऐसे मेटल से बनते थे, पर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी ये पता चला कि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम वही दोनों मेटल्स जिससे आपके आज के बर्तन बनते हैं वो बाकी मेटल्स के रिलेटिव गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी उसमें गर्मी का बहाव अच्छे से होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेटल्स। एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील में हीट अच्छे से बहती है और स्टेनलेस स्टील रस्ट प्रूफ होता है, यानी जंग रहित होता है, मतलब इसमें जंग कभी भी नहीं लगता है जब तक आप उसमें जाके खच खच करके रगड़ो नहीं। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि आप सालों तक वही बर्तन यूज करते हो। फैक्ट नंबर टू, अगर आप बिस्किट को चाय में डुबोते हो तो फिर वो गीला हो जाता है और खाने में अच्छा लगता है, पर अगर आप वही देरी तक डुबा के रखोगे और डीप ले जाओगे तब वो बिस्किट टूट भी सकता है और चूर चूर हो सकता है। इसलिए एक सेइंग है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, प्यार सबको करो लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो, इतना डीपली प्यार मत करो कि वो टूट ही जाए। नंबर थ्री, आपने रेनबोज तो सुना ही होगा और कभी ना कभी देखा भी होगा रेनबोज, पर क्या आपको पता है कि रात में भी रेनबो आते हैं जो कि सूरज की लाइट से नहीं बल्कि मून लाइट से क्रिएट होता है और उस टाइप के रेनबोज को मून बोज कहते हैं। फैक्ट नंबर फोर, मार्स यानी मंगल ग्रह से धरती कुछ ऐसी दिखती है, ये छोटा सा डॉट दिख रहा है यही है धरती और यहीं पे आप हो, यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं। सोचो मंगल ग्रह से धरती ऐसी दिखती है। फैक्ट नंबर फाइव, साल 2024 में धरती से मंगल ग्रह पर जाने का और वहाँ पर कॉलोनीज बनाने का प्लान बनाया गया है, तो पब्लिक में से जिन लोगों का जाने का मन है उनके लिए फॉर्म निकाला गया और उसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, पर उन 2 लाख लोगों में से सिर्फ 24 फाइनलिस्ट को चुना गया है और उन्हें ही ट्रेन किया जाएगा मार्स पर रहने के लिए। साल 2024 में ये लोग मार्स पर जाएंगे। मेरे ख्याल से फैमिली से दूर जाकर ये लोग गलत कर रहे हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। फैक्ट नंबर सिक्स, बहुत सारे रोड्स पर आपको कोई मार्क देखने नहीं मिलते हैं और बहुत सारे रोड्स पर हमको ऐसे मार्क्स देखने मिलते हैं, 90% लोग तो इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। पर क्या यहाँ ऐसे ही डिजाइन के लिए होता है या फिर इन सबका कुछ न कुछ मतलब होता है? सेकंड वाला सही है, इन सबका कुछ न कुछ मतलब होता है। सबसे कॉमन होती है ये मार्क्स, व्हाइट ब्रोकन मार्क्स, मतलब बीच में टूटी 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 हुई, और कई रोड पर व्हाइट सॉलिड लाइन भी होती है। अगर एक नॉर्मल रोड हो और बीच से व्हाइट सॉलिड लाइन जा रही हो तब इसका सिंपली ये मतलब होता है कि ये जाने वाला साइड है और ये आने वाला साइड है, इधर से गाड़ियां जाएंगी और उधर से गाड़ियां आएंगी, इधर से गाड़ियां जाने के लिए है और उधर से गाड़ियां आने के लिए, सबको पता है। आप बोल रहे हो क्या बोल रहे, सबको पता है, पर मेन बात यह है कि अगर रोड पर सॉलिड लाइन है तब इसका मतलब आप इस लाइन को छोड़कर उस लाइन में नहीं जा सकते, इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि लाइन सॉलिड है और ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो सॉलिड लाइन बहुत कम ही देखते हैं या फिर आपने कभी देखा ही नहीं होगा इसे, हम लोग तो सबसे कॉमन ये वाला मार्क देखते हैं। तो इस ब्रोकन मार्क का मतलब ये होता है कि आपको इस साइड से जाना है और उधर से गाड़ी आएगी, वो आने के लिए ही बनी है वो साइड, पर जब कोई गाड़ी उधर से नहीं आ रही हो तब आप उस रोड पर जाके थोड़ी देर के लिए अपने आगे वाले गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो, ये अलाउड है अगर लाइन ब्रोकन है तब। थोड़ी देर के लिए आने वाले रास्ते में जाकर आप अगर जल्दी में हो तो आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर दो, इट्स लीगली अलाउड, पर जहाँ सॉलिड लाइन होता है वहाँ पर आपका जाना अलाउड ही नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस है जो आपके बहुत काम आएगी लाइफ में। जहाँ पर ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पर रोड विजिबिलिटी कम होता है, मतलब जहाँ पर सिर्फ कुहासा फॉग ये सब रहता है रोड पर, मतलब कि उस साइड से जो गाड़ी आ रही है वो साफ साफ दिखती भी नहीं है जहाँ पर, वहीं पर ये सॉलिड लाइन को यूज किया जाता है ताकि कोई उस साइड चल ना जाए, क्योंकि फॉग में तो उधर से स्पीड में आ रही गाड़ी किसी को दिखेगी नहीं, तो फिर अगर वो ओवरटेक करने के लिए भी जाएगा तो फिर उसकी एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ जाएगी। इसलिए सॉलिड लाइन का यूज स्पेशल लोकेशंस में ही किया जाता है, जैसे पहाड़ या फिर ठंडे इलाके, और जहां पर नॉर्मल कंडीशंस है जैसे आपके घर के पास
होगा ही ना रोड, वहाँ पर ये नॉर्मल वाला ब्रोकन व्हाइट लाइन यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, ये फोटो है एक ब्यूटीफुल चाइनीज एक्ट्रेस लियु ज़ाओकिंग की। और आप बताओ ये कितनी साल की होगी? यार यंग लड़की है, उम्र कम ही होगी ऑफ कोर्स। ब्रो ये 63 साल की है, वाह, आपके मुंह से यही निकला होगा, मुझे पता है। फैक्ट नंबर 8, आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अलग अलग टाइप से सैल्यूट करती है। इंडिया की आर्मी नॉर्मल तरह से सैल्यूट करती है, नेवी हाथ को नीचे करके सैल्यूट करती है, और इंडियन एयरफोर्स 45 डिग्री के एंगल पर सैल्यूट करता है। इंडियन आर्मी की ये नॉर्मल सैल्यूट को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये नॉर्मल सैल्यूट है। इंडियन नेवी जो ये हाथ नीचे करके सैल्यूट करती है वो इसलिए ताकि वो अपने पाल्म को छुपा पाए, क्योंकि शिप में काम करते करते बहुतों के हाथों में ऑयल और ग्रीस लग जाता है, और इसी को हाइड करने के लिए ये सैल्यूट स्टाइल रखा गया है। और जो इंडियन एयरफोर्स करती है उनकी स्टाइल कुछ ऐसी होती है, वो आसमान के तरफ पॉइंट करके सैल्यूट करती है, और इससे वो आसमान को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय आसमान में ही देश की रक्षा करते हुए बिताते हैं। फैक्ट नंबर 9, फोटोग्राफर एंटोनी जायजर ऐसे टाइप के इमेजेस बनाते हैं ये डिपिक्ट करने के लिए कि कैसे हम लोग मोबाइल के स्लेव बन चुके हैं। मोबाइल्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए नॉलेज पाने के लिए, पर ये सब छोड़ के हम लोग आलतू फालतू चीजें करते हैं। सही डिपिक्शन है ना। फैक्ट नंबर 10, इटली में एक वेनिस नाम का शहर है और उसे द सिंकिंग सिटी यानी डूबता हुआ शहर भी बोला जाता है। डूबता हुआ शहर मतलब आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक कंडीशन में डूबता हुआ नहीं, बल्कि लिटरली एक्चुअली में पानी में डूबता हुआ। इस शहर का कोई प्रॉपर फिजिकल फाउंडेशन नहीं है, और कभी भी समुद्र से टाइड आता है, पानी आता है, तो पूरा शहर भर जाता है, पूरे शहर में थोड़ी देर के लिए बाढ़ आ जाता है। साइंटिस्ट के रिसर्च के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि साल 2100 मतलब बहुत सालों बाद ये एक्चुअली में पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।